प्रेम में क्या होता है कि दो और दो लोग मिल करके वो जो एक बन जाते हैं ना, वो अपना एक पैर एक दूसरे में बांध लेते हैं। अब जब साथ चलेंगे तो दिक्कत है, और वही आज हम सबके जीवन में हो रहा है, क्योंकि हम सब फॉलिंग इन लव, हम प्रेम में पड़ चुके, और हमारी एक दूसरे पे निर्भरता इस कदर हो गई है कि वो हंसेगी तो मैं हंसूंगा, वो तेज चलेगा तो मैं तेज चलूंगा, नहीं करूंगा। क्योंकि होता क्या है कि जब निर्भरता आ जाती है तो आप खुश रह ही नहीं सकते, आपको सामने वाले पे गुस्सा आएगा, आपकी उम्मीदें इतनी ज्यादा होंगी कि सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए और वो नहीं होगा। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि बीच में एक नदी बह रही है, तुम उस पार हो मैं इस पार हूँ, ये मिलन है, जब तुम बुलाओगी मैं चलाऊंगा। दुनिया मेरा साथ दे ना दे, हम फिर भी जिंदा रह जाएंगे, मगर अगर तुमने ही साथ छोड़ दिया तो जीकर भी क्या करेंगे। इन्हीं सब बातों के चलते हम अपने जीवन में अपने मुकाम और मंजिलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिर प्रेम है क्या और हमने क्या समझ रखा है। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? मैं अगर प्रेम की बात करता हूं तो आज आप सब सोचते होंगे कि हम सब एक ही बात करते हैं, फॉलिंग लव। यही गलत है, पता है, प्रेम में गिरना ही गलत है। तो जो फॉलिंग इन लव मतलब प्रेम में गिर गए, गिरने का मतलब क्या है कि हमने एक दूसरे को अपनी बंदिशों में जकड़ दिया, हमारी निर्भरता एक दूसरे पे हो गई। याद रखना, जीवन में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी जीवन खत्म कर देती है। जहां हमारी निर्भरता दूसरे पे हो गई कि अब ये ऐसे करेगा तो मैं चलूंगा या वो ऐसे करेगी तो मैं चलूंगा, तो समझ लीजिए कि जिंदगी। आप देखना, इस प्रेम के अंदर भी मैं कहता हूं कि फॉल इन लव ना हो के अगर बीइंग इन लव है, प्रेम में हो जाएं अगर हम, तो शायद जीवन सार्थक हो सकता है। ऐसे समझ लीजिए कि जब दो लोग प्रेम में उतरते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए जैसे एक बिल्डिंग के खंभे, पिलर। आप समझते हो कि पिलर बहुत पास पास नहीं है, अगर वो पिलर पास पास आ गए तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन वो पिलर थोड़े फासले पर हैं, पास पास हैं लेकिन थोड़ा फासला बना हुआ, एक दूसरे पे निर्भरता नहीं तो वो बिल्डिंग टिकी हुई है। हम बस यही गलती प्रेम में करते हैं कि प्रेम में क्या होता है कि दो और दो लोग मिल करके वो जो एक बन जाते हैं ना, वो अपना एक पैर एक दूसरे में बांध लेते हैं। अब जब साथ चलेंगे तो दिक्कत है, और वही आज हम सबके जीवन में हो रहा है, क्योंकि हम सब फॉलिंग इन लव, हम प्रेम में पड़ चुके, और हमारी एक दूसरे पे निर्भरता इस कदर हो गई है कि वो हंसेगी तो मैं हंसूंगा, वो तेज चलेगा तो मैं तेज चलूंगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि होता क्या है कि जब निर्भरता आ जाती है तो आप खुश रह ही नहीं सकते, आपको सामने वाले पे गुस्सा आएगा, आपकी उम्मीदें इतनी ज्यादा होंगी कि सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए और वो नहीं हो पा। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि बीच में एक नदी बह रही है, तुम उस पार हो मैं इस पार हूं, ये मिलन है, जब तुम बुलाओगी मैं चला आऊंगा, लेकिन कब? जब मेरा मन हो। इतनी छूट प्रेम में होनी चाहिए कि जब तुम बुलाओ तो मैं चला आऊंगा अगर मेरा मन होगा। ये प्रेम की ताकत है, साथ नहीं रहना है। हमें क्या लगता है प्रेम है, शादी होगी तो प्रेम। मैं कहता हूँ प्रेम एक तरफा ही होता है। जो लोग दो तरफा प्रेम की तलाश में है तो समझ लो कि वो किसी बिजनेस की तलाश में है।